मुझे रियल हीरो से मिलना है, रील पर तो हमने तो ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो शब्द निकलने वाले हैं रॉनिका लिटरेचर का आवाज कहां पड़ेगा ना। मैं आप सबको बताता हूं कि बिहार से जो मेरा रिश्ता है, आप लोग सोचते होंगे कि लॉकडाउन से शुरू हुआ, ऐसा नहीं। बिहार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं जब अपनी पढ़ाई करने गया कॉलेज के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरे जो रूम पार्टनर्स थे, पहले पंजाब के थे दो लड़के, और मेरी आज इतने सब लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार मेरा दूसरा घर है। जब जब बिहार मुझे बुलाता रहेगा, मैं आता रहूंगा। और अक्सर जब एक्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, तो वो अपने फिल्मों के प्रचार के लिए आते हैं, शायद कभी मैं भी आऊंगा। लेकिन आज मैं, इतने हजारों लोग यहाँ पर खड़े हुए, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, कि बिहार को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात को 24 घंटे सोनू सूद खड़ा हुआ रहूंगा। और मैंने आज उनको बोला भी अपने भाइयों को कि मुझे, हम लोग स्कूल खोल रहे हैं जरूरतमंद लोगों के लिए, अस्पताल की फैसिलिटी खोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि जो सबसे पहला स्कूल खुलेगा वो बिहार में ही खुलेगा। आपके पूरे बिहार प्रदेश में कहीं भी, किसी भी कोने के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी किसी भी स्तर का पढ़ाई करना चाहता है, जो नहीं कर सकता या वो करना चाहता है, उसके सपने आप प्लीज प्लीज हम तक जरूर पहुंचेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई और आपका इलाज रुके। ओके सरू साहब जी, अभी अभी जो ये
देखिए सर, अभी सारा मोबाइल का जीबी है ना, इसी से भरने वाला है आपके फोटो से। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि आप 2 साल में हमारे देश में अपने बच्चों का नाम इतना सोनू रखा गया है, इतना सोनू जिसका जन्म हुआ सोनू। मुझे लगता है कि स्कूल में ना हर एक बच्चे का नाम क्या नाम है तो सोनू। मैं एक और बात बताता हूँ, जब मैं एक्टर बनने मुंबई आया तो सबने कहा यार ये नाम क्या हुआ सोनू, सूर्य को नाम होते हैं, कल तुम एक्टर बनोगे तो लोग बोलेंगे हीरो का क्या नाम है यार, सोनू सूर्य ये नाम अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला यार नाम चेंज करना शुरू करते हैं। मुझे एक स्टेप अच्छा लगा, आपने ऐसे से किया ना, अभी पहले लोग ऐसे से करते थे, आजकल मोबाइल में भी लोग ऐसे से कर रहे हैं।